Hello everyone, welcome to Economics by Vishwanabhata. So in this lecture series of International Economics, today we'll be studying Thy Neighbor policy ko padhenge. पर उससे पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो क्या होगा. सो ये इससे इंटरकनेक्टेड है, सो दैट्स व्हाई आई हैवंट इरेज्ड द एंटायर डायग्राम एंड ऑल. सो इसमें हमने पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में तो हमारा LM कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन सो दैट यू गेट द एंटायर कॉन्सेप्ट वंस अगेन. सो जस्ट अ सेकेंड. या सो अगर मॉनेटरी पॉलिसी लगी, पहले हमने वाई एक्सिस पे क्या बनाया, इंटरेस्ट रेट आउटपुट, दिस इज़ हमारा IS कर्व, दिस इज़ हमारा LM कर्व, दिस इज़ परफेक्ट मोबिडिटी का केस जहाँ पे BP जो है वो ज़ीरो है, इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट जो फॉरेन का उसके बराबर है. सो अगर हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी लगती है तो LM जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है एंड पैरेलली इट शुड बी पैरेलल. सो पैरेलली राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारा कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉरेन की वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट से कम हो जाएगा. जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारी कंट्री में कोई क्यों कुछ भी करेगा तो हमारी कंट्री से आउटफ्लो होगा कैपिटल का. जब आउटफ्लो होगा कैपिटल का तो क्या होगा, आउटफ्लो होने लग गया कैपिटल का तो जिसकी वजह से हमारा करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी. डेप्रिशिएट होगी हमारी करेंसी तो क्या होगा, मतलब हमारे जो गुड्स हैं वो चीपर हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स. जब वो चीपर हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. दैट मीन्स हमारा जो IS है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. राइटवर्ड शिफ्ट होगा दैट मीन्स हमारा आउटपुट बढ़ गया फ्रॉम वन से टू. ये हमने मॉनेटरी पॉलिसी हमने अपना पढ़ा था कि क्या था. तो मॉनेटरी पॉलिसी यही बोलता है कि अगर होम कंट्री में एक्सचेंज रेट जो है हमारी जो करेंसी है जैसे डेप्रिशिएट करी, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करते तो नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट भी बढ़ जाता है. NX बढ़ता है तो आउटपुट भी बढ़ता है. जब हमारा आउटपुट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है. बट ये चीज़ें किसके एक्सपेंस पे होती हैं कि हमारी कंट्री का आउटपुट और एक्सपोर्ट्स और हमारा एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ रहा है बट इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेन कंट्री. दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी घट रही है, आउटपुट भी घट रहा है, बट ये सारा किसके एक्सपेंस पे, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ रहा है बट दूसरी कंट्री में वो घट रहा है. सो इट इज़ फॉर दिस रीज़न कि डेप्रिसिएशन जो है वो इंड्यूस करती है कि इंड्यूस इन ट्रेड बैलेंस, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं बेगर दाय पॉलिसी की. दूसरी जो है नेबर कंट्री जो है वो क्या बन जाती है, बेगर बन जाती है, भिखारी बन जाती है, क्योंकि वहाँ की क्या हो जाती है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों कम हो जाती है एट द एक्सपेंस ऑफ हमारी जो करेंसी डेप्रिशिएट हुई है जिसके अंदर हमारे जो गुड्स हैं वो चीपर हो जाते हैं. तो पर अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंट्री ने मनी सप्लाई बढ़ाया, मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाई है, तो वो भी ऐसा कुछ कर सकती है कि वो भी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दे इसी चीज़ के लिए, तो उस केस में रिलेटिव वैल्यू जो है वो सेम रहेगी. बट बेगर दाय पॉलिसी तो यही बोलती है कि अगर हमारी कंट्री में आउटपुट और हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इट इज़ ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर कंट्री जिसके रिड्यूस हुए हैं, तो दैट बिकम्स बेगर दाय नेबर पॉलिसी. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. आपको लगता है कि इन वीडियो से आपका बेनिफिट होता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स गिव अस मोटिवेशन टू वर्क मोर फॉर यू गाइज. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.